जय श्री राम। मित्रों, आज का प्रसंग है सुग्रीव, राम संवाद और सीता जी की खोज के लिए बंदरों का प्रस्थान। तब अंगद आदि वानरों को साथ लेकर और श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी को आगे करके अर्थात उनके पीछे पीछे होकर सुग्रीव हर्षित होकर चले और जहां रघुनाथ जी थे वहां गए। रघुनाथ जी के चरणों में सिर नवाकर हाथ जोड़कर सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, मुझे कुछ भी दोष नहीं है। हे देव, आपकी माया अत्यंत ही प्रबल है। आप जब दया करते हैं हे राम, तभी यह छूटती है। हे स्वामी, देवता मनुष्य और मुनि सभी विषयों के वश में हैं। फिर मैं तो पामर पशु और पशुओं में भी अत्यंत कामी बंदर, स्त्री का नयन बाण जिसको नहीं लगा, जो भयंकर क्रोध रूपी अंधेरी रात में भी जागता रहता है, क्रोधांध नहीं होता, और लोभ पर फांसी से जिसने अपना गला नहीं बंधाया, हे रघुनाथ जी, वह मनुष्य आप ही के समान है। ये गुण साधन से प्राप्त से नहीं प्राप्त होते, आपकी कृपा से ही कोई कोई इन्हें पाते हैं। तब श्री रघुनाथ जी मुस्कुराकर बोले, हे भाई, तुम मुझे भरत के समान प्यारे हो। अब मन लगाकर वही उपाय करो जिस उपाय से सीता की खबर मिल सके। इस प्रकार बातचीत हो रही थी कि वानरों के झुंड आ गए। अनेकों रंगों के वानरों के दल सब दिशाओं में दिखाई देने लगे। शिव जी कहते हैं, हे उमा, वानरों की वह सेना मैंने देखी थी, उसकी जो गिनती करना चाहे वह महान मूर्ख है। सब वानर आकर श्री राम जी के चरणों में मस्तक नवाते और सौंदर्य माधुर्य निधि श्री मुख के दर्शन करके कृतार्थ होते हैं। सेना में एक भी वानर ऐसा नहीं था जिसने श्री राम ने कुशल न पूछी हो। प्रभु के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि श्री रघुनाथ जी विश्व रूप तथा सर्वव्यापक सारे रूपों और सब स्थानों में हैं। आज्ञा पाकर सब जहाँ तहाँ खड़े हो गए। तब सुग्रीव ने सबको समझाकर कहा कि हे वानरों के समूह, यह श्री रामचंद्र जी का कार्य है और मेरा निहोर अनुरोध है कि तुम चारों ओर जाओ और जाकर जानकी जी को खोजो। हे भाई, महीने भर में वापस आ जाना। जो महीने भर की अवधि बिताकर बिना पता लगाए ही लौट आएगा, उसे मेरे द्वारा मरवाते ही बनेगा, अर्थात मुझे उसका वध ही करवाना ही पड़ेगा। सुग्रीव के वचन सुनते ही सब वानर तुरंत जहाँ तहाँ भिन्न भिन्न दिशाओं में चल दिए। तब सुग्रीव ने अंगद, नल, हनुमान आदि प्रधान प्रधान योद्धाओं को बुलाया और कहा, हे धीर बुद्धि और चतुर नील, अंगद, जामवंत और हनुमान, तुम सब श्रेष्ठ योद्धा मिलकर दक्षिण दिशा को जाओ और सब प्रकार से सीता जी का पता पूछना। मन, वचन और कर्म से उसी का सीता जी का पता लगाने का उपाय सोचना, श्री रामचंद्र जी का कार्य संपन्न सफल करना, सूर्य को पीठ से और अग्नि को हृदय से सामने से सेवन करना चाहिए, परंतु स्वामी की सेवा तो छल छोड़कर सर्वभाव से मन वचन कर्म से करनी चाहिए। माया विषयों की ममता आसक्ति को छोड़कर परलोक का सेवन भगवान के दिव्य धाम की प्राप्ति के लिए भगवत सेवा रूप साधन करना चाहिए। जिस भव जन्म मन से उत्पन्न सारे शोक मिट जाए, हे भाई, देह धारण करने का यही फल है कि सब कामों कामनाओं को छोड़कर श्री राम जी का भजन ही किया जाए। सद्गुणों को पहचानने वाले गुणवान तथा बड़भागी वही है जो श्री रघुनाथ जी के चरणों का प्रेमी है। आज्ञा मांगकर और चरणों में सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए सब हर्षित होकर चले। सबके पीछे पहुंचू श्री हनुमान जी ने सिर नवाया। कार्य का विचार करके प्रभु ने उन्हें अपने पास बुलाया। उन्होंने अपने कर कमल से उनके सिर पर स्पर्श किया और अपना सेवक जानकर उन्हें अपने हाथ की अंगूठी उतार कर दी और कहा, बहुत प्रकार से सीता को समझाना और मेरा बल तथा विरह प्रेम कहकर तुम शीघ्र लौट आना। हनुमान जी ने अपना जन्म सफल समझा और कृपा निधान प्रभु को हृदय में धारण करके वे चले। यद्यपि देवताओं की रक्षा करने वाले प्रभु सब जानते हैं तो भी वे राजनीति की रक्षा कर रहे हैं। नीति की मर्यादा रखने के लिए सीता जी का पता लगाने को जहाँ तहाँ वानरों को भेज रहे हैं। सब वानर वन, नदी, तालाब, पर्वत और पर्वत की कंदराओं में खोजते हुए चले जा रहे हैं। मन श्री राम जी के कार्य में लवलीन है। शरीर तक का प्रेम ममत्व भूल गया है। कहीं किसी राक्षस से भेंट हो जाती तो एक एक चपस में ही उसके प्राण ले लेते। पर्वतों और वनों को बहुत प्रकार से खोज रहे हैं। कोई मुन मिल जाता तो पता पूछने के लिए उसे सब घेर लेते हैं। मित्रों, यह मैंने आप सभी को रामचरितमानस का प्रसंग सुनाया है। यदि प्रसंग अच्छा लगे तो वीडियो को
शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री राम।